अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं अभी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी न्यूज़, जिसको सुन के आप होने वाले एकदम हैरान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओयाशा के बारे में, जिनका नाम मानो भी है, तो जो डांस की वजह से बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो गए हैं। आप टिकटॉक को देखें या यूट्यूब को उसके मुकाबले में, या इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो हर जगह पे ये छाई हुई हैं। इन्होंने बहुत ही कम दिनों में, मोस्टली एक महीना हुआ, आयशा ने एक महीने के अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लिया है। हर जगह ही ये बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हो गई हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, एक अरेबियन फैजान अंसारी ने इन्हें प्रपोज़ किया शादी के लिए, जिसमें वो इनको 15 लाख हकमेर देने की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान आ रहे हैं आयशा के साथ शादी करने के लिए। सुनिए। ख्वाबों में मुलाकात आयशा से रोज़ होती है मेरी, ख्वाबों में मुलाकात आयशा से रोज़ होती है मेरी, और मैं इतना, मुझे सब्र नहीं हुआ। तो आप ये देख सकते हैं, मैं ये पूरा पाकिस्तान एम्बेसी का वीज़ा फॉर्म है, जिसमें मैं ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल कर चुका हूँ, और मैं परसों जा रहा हूँ पाकिस्तान एम्बेसी। आयशा से मैं निकाह करने जा रहा हूँ। मेरा नाम फैजान अंसारी है, मैं मुंबई में रहता हूँ, और 15 लाख रुपये मेहर दे के मैं आयशा से निकाह करने जा रहा हूँ। और निकाह मुझे कबूल है, आयशा से निकाह मुझे कबूल है, मुझे निकाह कबूल है, मुझे निकाह कबूल है। सो 3 बार कह के मैं निकाह कबूल कर चुका हूँ, बस आयशा की हाल लेने जा रहा हूँ। और आयशा, अगर आप मुझे देख रही हैं, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका दिलबर, आपका जानेमन आपके पास आ रहा है, बस 2 दिन की बात और है। वो आयशा है, वो मेरी जान है। मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान। अभी मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा सब फॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ अभी मैं, और मैं उनसे निकाह करने जा रहा हूँ, और उनको अपनी बेगम बना के बॉम्बे वापस लेके आने वाला हूँ। आयशा के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई, और ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे आया, कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, जब से उनका वीडियो वायरल हुआ है लता जी का, जब से मैं उनको देख के बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। आप ये कह सकते हैं मैं बहुत पागल हो गए हैं, और मैंने ठान लिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी ताकत मुझे रोके, मैं आयशा से निकाह करके लेके आऊँगा। इसलिए मैंने उनको मेहर 15 लाख रुपए देने का भी फैसला किया है। जो आपको पता होगा, मुस्लिम समाज में मेहर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मेहर एक्चुअली जो लड़की होती है, उसकी सेफ्टी के लिए एक अमाउंट होता है, कि इनकेस खुदा ना खास्ता कभी आप लोग अगर अलग होते हैं, तो उसकी सेफ्टी अमाउंट होता है, जो लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको तय करते हैं। तो मैंने वो 15 लाख रुपए देने का आयशा को फैसला किया है। वो 15 लाख रुपए मेहर के मैं दूंगा, और उससे निकाह करूंगा। साथ ही आयशा से आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, कुछ बताना? ख्वाबों में मुलाकात आयशा से रोज़ होती है मेरी, और मैं इतना, मुझे सब्र नहीं हुआ। तो आप ये देख सकते हैं, मैं ये पूरा पाकिस्तान एम्बेसी का वीज़ा फॉर्म है, जिसमें मैं ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल कर चुका हूँ, और मैं परसों जा रहा हूँ पाकिस्तान एम्बेसी। ये सारी डिटेल्स इसमें ऑलरेडी फिल हैं, मेरा फ़ोटो है, मेरी डिटेल्स हैं, और ये मेरे 2 पासपोर्ट हैं, क्योंकि एक पासपोर्ट मेरा ऑलरेडी फिल है, काफ़ी इसमें वीज़े लग चुके हैं, बट अभी इसमें ये वीज़ा पासपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी पाकिस्तान का वीज़ा लगने वाला है।